पहले से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो उन्हें ही आगे जाने देंगे और ये उनके हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ भी बोला जा रहा है कि नहीं ये बिहार सरकार के अंडर नहीं आता है आप लोग राज्यपाल के पास जाइए तो मतलब कि हारा भी है वहाँ गोल्ड भी नहीं लाया उसको बोल रहे है कि आप जाओ हम लोग आपके जो बी सी है उनके कहने के मुताबिक होगा कि जो लोग पहले से ट्वेल्थ पास कर चुके हैं फर्स्ट डिवीजन लाए फिर से पढ़ के ट्वेल्थ पढ़ते रहे और जो लोग नया वन से क्लास में पढ़ना शुरू किए वन में जा करके सोए रहे आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है ये आप लोग कहाँ से खरीद के लाए नो सर नाइनटीन दिसंबर को बीडी कॉलेज में ही हमारी ये पाटलिपुत्र इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करवाया गया कराटे का जय हिंद दोस्तों आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और मैं हूं अंकित भारत भारद्वाज अभी हम फिलहाल आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और क्यों खड़े हैं इसके इसके भी एक विशेष बात है इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज अब यहां के जो छात्र और छात्राएं हैं कुछ आ, कराटे में ये लोग लोग गोल्ड गोल्ड मेडल है, मेडल है आप लाए येस सर आपका नाम क्या हो गया जी मेरा नाम रूपाली कुमारी है मैं आप जी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स वैशाली की स्टूडेंट हूँ वहीं के प्लेयर हूँ वहीं पे सीखती हूँ बट यहाँ पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ाई कर रही हूँ और जो 19 दिसंबर को बी कॉलेज में हमारा इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कराटे का करवाया गया हम सभी बच्चों ने वहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया और कहा यह जाता है कि अगर आप ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट क्वालिफाई करते हो तो आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल खेल सकते हो बट पता नहीं इस बार हमारे लिए क्यों खुद से एक नया रूल लाया गया वी सर द्वारा कि जो बच्चे ऑलरेडी नेशनल मेडलिस्ट है वो उन्हें ही इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने देंगे तो, तो मतलब जो लोग पहले से यस सर जो पहले से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो उन्हें ही आगे जाने देंगे और ये उनके हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है मतलब जो लोग पहले से गोल्ड मेडल लाए हुए उनको और गोल्ड मेडल लाने के लिए दिया जाएगा जो लोग अभी हैं वो यही चाहते कि जो ऑलरेडी नेशनल मेडलिस्ट है वो उन्हें आगे बढ़ावा देना चाहते हैं और हम जो बिगिनर्स है जो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को उन्हें वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे तब इनके कहने के मुताबिक आपके जो भी है उनके कहने के मुताबिक होगा कि जो लोग पहले से ट्वेल्थ पास कर चुके हैं फर्स्ट डिवीजन लाए फिर से पढ़ के ट्वेल्थ पढ़ते रहे और जो लोग नया वन से क्लास में पढ़ना शुरू किया वन में जा करके सोए रहे आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है अच्छा आप लोग मतलब स्पेशली किस किस मांग को लेकर के आर ऑफिस आए थे हमें भेजा जाए हमारी मांग यही थी हाँ भेजा जाए नेशनल हाँ, जी हमारी मांग यही है कि हमें नेशनल के लिए भेजा जाए इसलिए हम लोग आर ऑफिस आए थे लेकिन यहाँ से भी बोला जा रहा है कि नहीं ये बिहार सरकार के अंडर नहीं आता है आप लोग राज्यपाल के पास जाइए तो हम लोग कल कल पूरे दिन हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में थे वहाँ रहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ हम लोग से बात तक नहीं किए बी सर बी सर बातें नहीं करते बात है? नहीं कर रहे लंदन से आए हैं क्या पढ़ने के लिए स्कूल में मतलब कॉलेज में नहीं यहीं के हम लोग यही यहीं किसे स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी हम लोग से बात नहीं कर रहे सर ये कहा नहीं जाता है हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ होते हैं जो बहुत बड़े अधिकारी खुद को मानते हैं जब जाइएगा उनसे बात करने के लिए क्योंकि कहा जाता है हमारे बिहार में खास करके अनेकों कॉलेजों में देखा जाता है कि सरकारी जो कर्मचारी बन जाते हैं ना खुद को प्रधानमंत्री का दर्जा दे देते हैं उनसे बात करने जाएगा तो नहीं करेंगे अब देखिए ये लोग भी छात्र यूनिवर्सिटी के हैं लेकिन जो वहाँ के बी हैं अब क्या बोले उनसे उनके पास भी हम लोग जल्द जाएंगे और सवाल ज़रूर करेंगे क्योंकि ये लोग भी उसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है लगता है ये लोग जर्मनी से आए हैं बिहार में एडमिशन लेने के लिए क्या नो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम लोग बिहार के ही वासी हैं मैं खुद वैशाली जिला से ही हूँ और ये सारे हमारे जितने भी को प्लेयर्स हैं ये सब वैशाली आते हैं बात करने के लिए तो क्या बोलते हैं जी वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं एक बार जब हमने अपनी ये प्रस्ताव रखा भी कि सर जब आपने ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करवाया और जब हम लोग वहाँ पे क्वालिफाइड है तब आप क्यों नहीं भेज रहे तो वो कह रहे कि नहीं अब इसकी कोई मेरे लिए वैल्यू नहीं अगर आपके पास नेशनल मेडलिस्ट है तो बोलो वरना हमसे बात मत करो तो इस तरह से हम प्लेयर्स को डिमोटिवेट किया जा रहा है बिल्कुल भी सपोर्ट किया नहीं जा रहा है और हम लोगों से फिर उन्होंने दोबारा कोई बातचीत नहीं की है नेशनल गोल्ड मेडल लाना है जाकर के खरीद लीजिए जा करके खरीद के आइएगा और फिर से जा करके आपको दौड़ा दिया जी बोलिए कहने का मतलब उनका यही है खरीद के है। खरीद के पैसा दीजिएगा तब जाने दिया जाएगा ऐसा नहीं ऐसा तो हम नहीं बोले उन्होंने लेकिन वो बोल रहे कि नेशनल में जो मेडल है वही जाएगा अब हम लोग खेलने ही नहीं जाएंगे वहाँ खेलेंगे ही नहीं मेडल कहाँ से लाएंगे? मेडल कहाँ से लाएंगे वो सिर्फ जो आगे जा चुका है नेशनल खेल चुका है और जो मतलब की हारा भी है वहाँ गोल्ड भी नहीं लाया उसको बोल रहे हैं की आप जाओ हम लोग नहीं जाएंगे अच्छा, एक सवाल यह भी होता है कि कहा जा रहा है कि कुछ छात्र कुछ लोगों को सेलेक्ट करके भेजा जा रहा है ये सही है बिल्कुल सर कुछ आ, जो प्लेयर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी नेशनल में गोल्ड मेडल है वो उन्हें ही बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे अब उनका कहना होगा कि वो लोग पहले से जीत के आए एक्सपीरियंस है तो आगे जाने दिया जाएगा लेकिन सारे प्लेयर्स, प्लेयर्स का नहीं तो उसमें से भी सारे प्लेयर्स का नेशनल में गोल्ड मेडल नहीं है सर ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है सर ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है ना कहीं रूल है ना ऑल इंडिया में रूल है ना कुछ रूल है प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोटोकॉल है कि जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो भी हैं अब उनको मैं क्या बोलूँ कुछ बोलना व्यर्थ ही है क्योंकि अगर समझदार होते तो आज उन्हीं के कॉलेज के उन्हीं के यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं सड़क पर आकर के अपनी मांगों को लेकर के मीडिया के सामने खड़ा नहीं होते वो बी का एक और प्रोटोकॉल यह भी है कि जो नेशनल जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जाएगा इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनाया जाएगा और जब ये जो जो बिगिनर है, जो स्ट्रगलर हैं स्टार्टिंग जो किए हैं उनको बस घर में सोने के लिए कहा जाएगा इनको एक बार झांसा दे करके कि हाँ भाई मेरे कॉलेज का भी कुछ नाम है एक बार भेज दिया गया ये आप लोग कहाँ से खरीद के लाएँ नो सर नाइनटीन दिसंबर को बीडी कॉलेज में ही हमारी ये पाटलिपुत्र इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करवाया गया कराटे का हम सब ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और तब मेहनत करके हमें ये सर्टिफिकेट मेहनत किया आप लोग की खरीद के लाए सच सच बोलिए मेहनत किया है खरीद के टोटल लड़का लड़की मिला के सर कम से कम डेढ़ सौ दो सौ होंगे अंदाजा तो नहीं है अप्रॉक्स बता रहे उसमें से सर हम लोग का पूरा पंद्रह लोग का गोल्ड मेडल है तो सर मेहनत खरीद के तो नहीं लाए जाहिर सी बात है जीती के नहीं होंगे चलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं देखिए हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है लगातार मैं हमेशा इस पर सवाल खड़ा करता हूँ क्योंकि कहा जाता था ना कि हमारे बिहार में दिल्ली मॉडल लंदन मॉडल और अंतरिक्ष मॉडल लाने की बात की जाती थी और मॉडल तो कुछ नहीं आया लेकिन यहाँ पर सड़क पर छात्रों को उतारने वाला मॉडल जरूर ला दिया गया है क्या इन लोगों इन लोगों की समस्या है बीसी साहब एक बार जरूर एक बार संज्ञान में लीजिए और इस पर एक बार बातचीत ज़रूर करिए क्योंकि आपके कॉलेज की छवि खराब हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी की छवि ख़राब हो रही है जो कि लगातार बिहार में अब यहाँ के जो खिलाड़ी हैं खिलाड़ी को लगातार हमारे बिहार में प्रमोट किया जाता है अब तो खिलाड़ी जो होते हैं हमेशा बिहार के हर एक कोने से उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है इसको जरूर ध्यान दें फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पर इस तरह की अपडेट्स और आपको देते रहेंगे अभी चाहूँगा इजाजत जय हिंद